लखनऊ से बड़ी खबर बता दी कि परिवहन निगम को इस बार होली पर 105 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। जी हां, पिछले वर्ष की तुलना में यह 12 करोड़ रुपए अधिक है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि इस बार 3 से 8 मार्च के बीच होली के मद्देनजर अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया है। बता दें कि संजय कुमार का कहना है कि इसके तहत यूपी रोडवेज ने 3 से 8 मार्च के बीच 85 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है, यानी औसतन प्रतिदिन 1800 बसें संचालित की गई है और इस दौरान प्रतिदिन औसत आय प्रति बस 13,900 रुपए दर्ज की गई है, जो पिछले साल से 6,100 रुपए ज्यादा है। बता दें कि पिछले साल ये आय 7,800 रुपए थी। सभी अधिकारियों ने परिश्रम कर यात्रियों को 24 घंटे परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई। इसके बाद यह परिणाम सामने आया और उन्होंने ये भी बताया कि 4 मार्च 2023 को राजधानी बस सेवा और 39 साधारण बस सेवा परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई है और इससे परिवहन निगम को यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत सुविधा हुई। इसके लिए परिवहन मंत्री ने भी सीएम योगी को धन्यवाद दिया है।